हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं कहीं घूमने गई थी और वहाँ से मैं ये पेबल्स उठा लाई। नेचर ये हमें मुफ्त में देता है और हमारा आज का वीडियो भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो हम करने वाले हैं स्टोन पेंटिंग, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें चाहिए कुछ पेबल्स, एक्रेलिक कलर्स और पेंट ब्रश। तो सबसे पहले मैं सारे पेबल्स पे एक बेस कोट दे रही हूँ और इसके लिए मैं वाइट एक्रीलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह मैंने सारे पेबल्स को वाइट कलर से एक बेस कोट दे दिया है और अब हम इस पे पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक साइड पे इसे कर्व शेप देते हुए ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें कंसेंट्रिक लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह मैंने सारी लाइंस कंप्लीट कर ली हैं और अब मैं इसमें वाइट कलर से आईज ड्रॉ कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से ये पेंटिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेबल पेंट करेंगे। इसके लिए मैं पहले नीचे की साइड ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ। और बाकी की स्पेस में मैं येलो पेंट कर रही हूँ। इस तरह से पेबल्स पे पेंट करना एक बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। तो जब भी आप घर पे बोर हो रहे हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ पे सारी पेंटिंग्स काफ़ी सिंपल रखी हैं जिसे आप आसानी से घर पे ट्राई कर सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है। लास्ट में मैं इसमें आंखें और आउटलाइंस बना के इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। इन स्टोन्स को पेंट करके आप अपने घर में इन्हें मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। घर में कहीं भी आप इन्हें एज अ डेकोरेटिव पीस की तरह रख सकते हैं, एज अ गार्डन डेकोर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में किसी स्टडी टेबल पे या जो भी आपकी वर्किंग स्पेस है वहाँ पे आप इसे पेपरवेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टोन अब पेंट होके डेकोरेशन के लिए तैयार है। नेक्स्ट पेंटिंग में मैं नीचे ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ और ऊपर की साइड हमें थोड़ा लाइट कलर से पेंट करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्काई का सीन बना रही हूँ। इन स्टोन्स को आप एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। आपको इन्हें पेंट करना है और इसके पीछे कोई भी छोटा सा मैग्नेट आप पेस्ट कर सकते हैं और इस तरह आप घर पे ही अपना DIY फ्रिज मैग्नेट बना सकते हैं। और अब मैं ब्लैक कलर से इस पे कुछ ट्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ फॉर नेक्स्ट DIY यू कैन यूज एनी कलर ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे मैं वॉयलेट कलर में व्हाइट कलर मिक्स करके इसे पेंट कर रही हूँ। अब चारों साइड मैं कुछ लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ और मैं बीच की स्पेस थोड़ी ब्लैंक छोड़ दूंगी। अब बीच में जो स्पेस है वहां पे आप कोई भी छोटा सा कोट लिख सकते हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।